अब तो तुम मेरी भाभी बनने जा रही हो, तो तुम्हें क्या बुलाऊं, भाभी या फिर सरेश? जो मर्जी दिल में आए कहो। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जो दिल और मोहब्बत से निभाए जाए। फिर चाहे उन्हें कोई भी नाम क्यों ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन रिश्तों में एहसास जरूर होना चाहिए। बैठो रूम। बिल्कुल ठीक कहा रूमी ने, खेल तो सिर्फ एहसास का ही है। मोहब्बत एहसास के बगैर ऐसी होती है जैसे सूखे पत्तों का दरख्त, जो चाहो तो देते हैं लेकिन फल नहीं। By the way, I saw your son. बहुत क्यूट है। थैंक यू। वो बिल्कुल अपने बाबा जैसा है। आप बहुत मिस करती होंगी ना अपने हस्बैंड को। ये मिस करना मुझे कभी समझ नहीं आया। मिस तो उन्हें किया जाता है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा ना हो या आपको छोड़कर चले जाए। ताबिश तो साथ है मेरे, मेरे हर ख्याल में, जिंदगी के हर मौके पे साथ होता है। वक्त के साथ साथ सब्र आ जाता है, लेकिन इंसान को नहीं भूल सकता। आई एम सॉरी रूमी, आप मेरी बात से हर्ट हूँ। नहीं महम, मुझे ताबिश का जिक्र करना बहुत अच्छा लगता है। अब देखो ना, इस मौके पर भी अचानक ताबिश हमारे साथ शामिल हो गया। You're right. जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो हमेशा हमारी जिंदगी में शामिल रहते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। यहाँ पे माहौल काफी सीरियसली हो गया। तो तुम कोई लतीफा सुना दो सबको। बहुत प्यारा है आपका घर। थैंक यू। आ